वन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो और मॉर्निंग का टाइम है इस टाइम मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है आज मॉर्निंग से ही और अभी कर रही हूँ मैं सुबह का जो सबके घरों में काम होता है सामान को इधर उधर जो फैला रहता है बस उसको सही जगह पर रखना बस वही काम चल रहा है नहा धो के आ गई थी पूजा का काम भी हो चुका है तो अभी यह सो रहा था तो उसके उठने से पहले मैंने सोचा चलो जल्दी से जो भी सामान इधर उधर फैला है सही जगह पे सेट कर देती हूँ तो यहाँ पे जो टेबल है टेबल के नीचे काफ़ी सारा सामान जो था फैला हुआ था न्यूज़पेपर भी फैले हुए थे और यह जितना भी सामान होता है इधर उधर का तो वो सब ला ला के जो है टेबल के नीचे और इधर उधर जो भी जगह होती है उस पर छुपा देता है तो वो बस वही सही कर रही थी और टेबल का जो है कवर से कवर जो था वो मैंने चेंज करा और उसके बाद जो सोफ़े के कवर थे वो इधर उधर हो जाते हैं शाम को रात को जो है और सच बताऊँ तो रात होते होते ना इतनी हिम्मत नहीं होती है जो सामान जहाँ पड़ा होता है ना रात के टाइम पर बस वो वहीं पर रह जाता है रात को इतनी हिम्मत नहीं होती है कि रात को दोबारा से जो है सारा घर सही कर दे और पहले जब तक यश नहीं था तो मैं पता है क्या करती थी शाम के रात के टाइम पे जितना हो सकता था सारा काम जो है निपटा देती थी जैसे जो भी सामान फैला होता था वो रात को ही सब सेट कर देती थी जिससे सुबह कम काम हो पर बच्चा होने के बाद नहीं हो पाता है तो बस और यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ किचन में नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी तो भरपा बैंगन बना रही हूँ मैं तो उसके लिए क्या कर रही हूँ मसाले निकाल रही हूँ सूखे तो सूखे मसाले में मैंने यहाँ पे अमचूर हुआ धनिया थोड़ी सी हल्की सी हल्दी नमक मिर्च और थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ निकाली है तो बस ये बेसिक से मसाले हैं ये ही डालूंगी इसमें और भरवा बैंगन बहुत टेस्टी लगता है बहुत यमी लगता है तो ये वाले जो है ये लंबे वाले बैंगन है जो छोटे वाले बैंगन होते हैं ना उसको भी बनाते हैं पर ये जो लंबे वाले बैंगन होते हैं ना इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये बैंगन मैं आधा किलो लेकर आई थी तो वैसे तो सब्जी बनाने के लिए ही लेकर आई थी पर अचानक से कभी मन कर जाता है ना जैसे अचानक से कभी लेकर हम किसी और चीज़ के लिए आती है और सामान मतलब जैसे सब्जी हम किसी और चीज़ को बनाने के लिए लेकर आए जैसे मैं सब्ज़ी बनाने के लिए लाई थी पर अचानक से मन करके आप भरवा बैंगन खाने का तो मैंने बोला चलो ये बना लेते हैं और थोड़े से रखे हुए थोड़े से ही बना रही हूँ तो बस यहाँ पे कढ़ाई में मैंने जो है तेल डाल दिया है सरसों का तेल उसमें बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसको बीच में से कट करके और ये जो मैंने जो मसाले जो करे थे रेडी वो इसमें भर दूंगी और भरने के बाद बस साथ के साथ जो है मैं ये तेल जो है गर्म हो गया था तो इसमें रखती जाऊँगी और बहुत जल्दी बन जाते हैं इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है तो बस यहाँ पे जो है ज़्यादा नहीं बनाया है मैंने थोड़े ही बनाया है आधे बैगन तो मैंने रखी दी है आधे बैगन जो थे उसकी सब्ज़ी बन जाएगी आलू डाल के आलू बैंगन की सब्जी और ये जो लंबे वाले बैंगन होते हैं ना इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे जो गोल वाले बैंगन होते हैं उसके उसके हिसाब से मतलब वो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते जितने लगते हैं और ये जो सूखा मसाला जो बच गया था ना थोड़ा सा वो भी मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया और ऊपर से ना थोड़ा सा मैं इसमें पानी का छीटा देती हूँ बहुत हल्का सा उससे क्या होता है कि जैसे हम ये बैगन फ्राई कर रहे हैं ना तो इसकी जो स्किन होती है वो बहुत कड़क कड़क सी हो जाती है वो होती सॉफ्ट रहती है तो बिल्कुल हल्का सा छीटा दे देती हूँ तो बस यहाँ पे सारे बैंगन डाल दिए छीटा भी दे दिया अब इसको हल्के से जो है मैंने मिक्स कर दिया और इसको ढक दूंगी और ढकने के बाद जो है तीन चार मिनट लगेगी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें तो यहाँ पे तीन चार मिनट हो चुके थे और अब जो है मैं इसको चेक कर लूँगी तो बैंगन जो है ऑलमोस्ट हो चुके हैं और बहुत जल्दी बन जाता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें और थोड़ा सा जो होता है ना इसमें हम हमचूर अच्छा सारा डलता है थोड़ा खट्टापन जो आता है ना उससे बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है तो बस यहाँ पे बैंगन हो गए हैं मेरे रेडी और नाश्ते का आधा काम तो हो ही जाता जैसे सब्जी बन जाती है तो अब यहाँ पे सारा नाश्ता वगैरह इन लोगों को कराने के बाद अब मैं आराम से बैठी हूँ अब कर रही हूँ मैं नाश्ता और नाश्ते के साथ साथ मैं पढ़ रही हूँ न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से मुझे न्यूज़पेपर का बहुत शौक़ है जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो सबसे पहले जैसे ही मेरी आँख खुलती थी तो सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो होती है किसी किसी चीज़ की आदत होती है जो मतलब अच्छी आदत होती है वैसे न्यूज़पेपर पढ़ना पढ़ना भी चाहिए तो वैसे तो अभी बहुत कम टाइम निकल पाता है मेरे पास सुबह के टाइम पे इतना टाइम ही नहीं हो पाता है लेकिन जब भी होता है तो सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो बस न्यूज़पेपर यहाँ पर पढ़ रही हूँ और यश जो है ना वो उठने वाला है तो अभी बीच में वो थोड़ी देर के लिए उठा था उसके बाद फिर सो गया था और नाश्ते के बाद किचन वगैरह का काम निपटा के मैं आ गई हूँ अपने रूम में और यश उठ गया था बीच में उठा था ये थोड़ी देर के लिए और फिर सो गया था दोबारा से तो उस बीच मेरा काफ़ी काम हो गया नाश्ते वगैरह का भी किचन का भी सारा काम निपट चुका है और अब जो है ये उठ गया है तो अब काम जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होकर जो है धीरे धीरे करके ही करूँगी तो यहाँ ये जो है टीवी देख रहा है और टीवी के साथ साथ जो है इसका जो है जो भी सामान इधर उधर फैला है रूम का जो है वो भी मैं साथ के साथ करती रहूँगी तो जैसे ये सोके उठता है ना तब थोड़ी देर तक ठीक रहता है ये एकदम से हल्ला नहीं करता है क्योंकि एकदम सुस्ती सी आती है ना जब बच्चे सो के उठते हैं तो बस जितनी देर ये सही है बस उतनी देर मैं जल्दी जल्दी करके ये वाला रूम भी क्लीन कर दूंगी तो ये देखो यहाँ पे ना ये देख रहा है कैमरा इसको दिख जाता है कि ये मोबाइल ट्राईपोर्ट लगा हुआ है कैमरा है तो ये देखो कैसे देख रहा है इसको सब पता चलने लग गया अब जैसे जैसे यश बड़ा हो रहा है ना तो इसको धीरे धीरे सब पता चल रहा है बहुत इंटेलिजेंट है ये इसको सब समझ में आ जाता है और बस ये अभी सो के उठा तो थोड़ा लेजी लेजी सा हो रहा है अभी ऐसे इधर उधर जो है लेटता रहेगा और आजकल जो है मैं इसके खाने पे थोड़ा सा जो है फोकस कर रही हूँ थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा इसको दूध दूध मत दिया करो तो अभी जैसे सो सूखे उठाए ना मैंने इसको दूध नहीं दिया तो थोड़े से बिस्किट्स वगैरह दिए इसको तो थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है ज़्यादा तो नहीं खा रहा है लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा दूध जो है कमी पिए खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान दे और ये जो कपड़े मैं तय कर रही हूँ ना ये कल शाम के और कल बारिश हो गई थी तो कपड़े जो थे थोड़े से नमी थी तो मैंने सुबह उठ के जो है डाल दिए थे और अब सूख गए तो जो यश के थे वो मैं यश की अलमारी में डाल रही हूँ जो मेरे है उनको अलग रख दूँगी और जो इनके हैं वो अलग रख दूँगी तो आजकल जो है मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता है और यश को तो मैंने स्वेटर पहना रखा है जैकेट भी जैकेट भी जो थी ना इसकी हाफ वाली वो भी मैंने निकाल दी पहले मैं रख रही थी क्योंकि एक दो दिन से मौसम थोड़ा सा यहाँ पर देहरादून में ना ख़राब सा हो गया ठंड काफ़ी लग रही है तो बस और यहाँ पर जो है ये पैक कर रहे हैं एक पार्सल ये जो पार्सल है ये भेजना था हमें तो वैसे तो मैं पैक कर देती लेकिन यश जो है वो काम ही नहीं करने दे रहा था मुझे तो फिर इन्होंने बोला चलो मैं पैक कर देता हूँ और देखो ये पैक कर रहे हैं और ये यहाँ पे भी आ गया है जैसे ही हम कोई काम करते हैं ना तो ये आ जाता है शैतानी करने के लिए और बच्चे सच में बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं ना नोटी होते हैं और ये जैसे इसको दिखता है ना कि ये किसी काम में लगे हुए हैं तो बस ये भी आ जाता है कि बस मैं भी करूँ मैं भी करूँ देखो ये ऐसे परेशान करता है बिल्कुल ये अपने पापा को भी मुझे भी दोनों को ऐसे ही करता है जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो फिर एक जना इसको पकड़ता है फिर दूसरा जना करके काम करता है और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने ना यश के लिए थोड़ा सा जो है शॉपिंग करी है और ऑनलाइन मंगाया मैंने फ़र्स्ट क्राइस से मंगवाए हैं ये यश की टी शर्ट्स जो मैं मार्केट से लेकर आई थी वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी ना रेट वाइज अच्छी लगी ना फैब्रिक वाइज़ और ये मैंने ऑर्डर करी है ये ना बेबी हक की है सारी और इतनी अच्छी लगी मुझे ये इसका कपड़ा भी इतना अच्छा है कॉटन बहुत अच्छा है और कलर प्रिंट भी अच्छे हैं और रेट वाइज भी बहुत अच्छी है तो पांच मंगवाई है मैंने इसके लिए और फुल स्लीव्स की मंगाई है क्योंकि अभी जैसे एकदम से बच्चों को हाफ स्लीव्स की नहीं दे सकते हैं क्योंकि ठंडा है थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से तो ठंडा रहता ही है जैसे अप्रैल आ जाएगा मई आ जाएगा तब है थोड़ा सा कि हाफ़ स्लीव्स की, हाफ की पहना देंगे तो ये वाली टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी सारी बहुत अच्छी है और बीच में यश आ गया था तो मैंने बीच में जो है बंद कर दिया था कैमरा फिर दोबारा से शूट कर रही हूँ तो ये टी शर्ट जो है बहुत अच्छी लगी है मुझे सारी ही अच्छी है ये वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है और पांच मंगवाई है तीन मैंने आप लोगों को दिखा दी और ये वाली भी दिखाती हुई ये भी बहुत अच्छे है और कलर कॉम्बिनेशन भी इतने अच्छे हैं इसके और रेट जो है ना रेट में इसमें फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा था तो तब मैंने ऑर्डर कर दी थी और फर्स्ट क्राई में बच्चों के लिए बहुत अच्छे मिल जाते हैं कपड़े मतलब रेट भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है उनकी जो हम जो लोकल मार्केट में जाते हैं ना वहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है और रेट भी वो जो है बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी टी शर्ट्स हैं और इसके लिए मैंने साइज थोड़ा सा बड़ा ही लिया दो से तीन साल के बच्चे का लिया है और ये तीस थी साढ़े तीन सौ ऐसे के आसपास थी और फिफ्टी परसेंट ऑफ में जो है ये लगभग मुझे जो है एक सौ सत्तर एक सौ अस्सी की एक पड़ी है और यहाँ पर मैं और यश बैठे हैं और कर रहे हैं थोड़े से फ्रूट्स खाने की कोशिश मैं तो खा लेती हूँ पर यश के साथ ना बहुत दिक्कत होती है डॉक्टर ने कह रहे का इसको फ्रूट्स खिलाओ मतलब दूध के अलावा और चीज़ें खिलाओ लेकिन ये नहीं बिल्कुल भी नहीं खाता है और इसके साथ क्या है मेरे को दिखा दिखा के खाना पड़ता है कि जैसे अगर हम कुछ खा रहे हैं तो ये खा लेता है और वैसे अगर मैं इसको लेके बैठती हूँ ना तो बिल्कुल नहीं खाता है और इधर उधर गिराता बहुत है ये तो आप लोग भी बताना जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कैसे खिलाते हो आप बहुत मुश्किल है सच में मेरे को नहीं पता था बच्चों को खाना खिलाना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है तो बिल्कुल भी नहीं खाता है वो बहुत कम जब उसका मूड होता है तब खाता है तो बस यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में दिन के खाने की हो रही है तैयारी तो यहाँ पे मैंने छोले बना रही हूँ जो व्हाइट वाले छोले होते हैं वो तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के उसमें जीरा डाल के यहाँ पे लहसन प्याज अदरक और हरी मिर्च को चॉपर में मैंने चॉप कर दिया था तो बस यहाँ पे उसको भून लूँगी और छोले रात को भिगो दिए थे तो वाइट वाले छोले बहुत अच्छे लगते हैं और उसके बाद जब यहाँ पे ये हो गया था ना प्याज अदरक लहसन हो गया था तो उसमें सूखे मसाले डाल दिए मैंने कुटा हुआ धनिया और अमचूर डाला है लाल मिर्च डाली और नमक हल्दी हल्का सा डाल दिया वैसे नमक और हल्दी मैंने उबलते वक्त भी डाली थी लेकिन थोड़ा सा नमक कम रहता है कम ही डालते हैं क्योंकि बाद में जो है ना फिर थोड़ा अंदाज़ा नहीं हो पाता है तो बस यहाँ पे फिर मैंने टमाटर डाल दिया और टमाटर मैंने ऐसे ही रफली चॉप करके डाल दिए इसको ना प्यूरी करी है ना चॉपर में करा है और उसके बाद हल्का सा पानी डाल दिए जिससे जल्दी से टमाटर गल जाए सॉफ्ट हो जाए तो बस यहाँ पर जो है टमाटर हो गए थे मेरे और छोले भी बहुत अच्छे तरीके से गल गए थे और छोले जब मैंने पकाए थे ना तो इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले थे जैसे तीज पत्ता हो गया काली मिर्च हो गई साबुत वाली और लौंग हो गई वो भी डाली थी और उसके बाद जो है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर खड़े मसाले आप जो है बॉईल करते वक्त डालोगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जैसे अब इसको छोंक दिया है तो अगर आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो तो वो आपके ऊपर है पर मैं नहीं निकालती हूँ अच्छा लगता है थोड़ा सा तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और खद्दा आ गया है तो छोले हो गए हैं मेरे रेडी और इसके साथ जो है इनके लिए बनेंगे चावल और हम लोग खाएंगे इसके साथ रोटी और छोले बहुत टेस्टी लगते हैं सच में और छोले हो गए काले चने हो गए सभी को अच्छे लगते हैं ये सब चीज़ें और दिन के खाने का सारा काम निपटा के अब मैं बैठी हूँ किचन वगैरह सारी क्लीन हो चुकी है और यश खेल रहा था सो नहीं रहा था वो तो मैंने बोला चलो मैं भी अपना कुछ काम निपटा लेती हूँ तो थोड़े से ना गर्मी के कपड़े निकाले हैं मैंने और ये जो कपड़े थे ना ये मेरे पहले के हैं मतलब यश के होने से पहले के थे तो कितने कपड़े इसमें से ऐसे हैं जो मैंने मतलब रिजेक्ट कर दिए थे कि अब मेरे नहीं आएंगे तो अब काफ़ी सारे कपड़े ऐसे हैं जो मेरे आ जाएंगे आराम से क्योंकि मेरा वेट लॉस भी हुआ है काफ़ी तो बस वही निकाल रही थी मैं तो थोड़े बहुत जो है कपड़े मेरे को अच्छे भी लगते थे जो और वो मैंने मतलब कितने कपड़े इसमें ऐसे हैं जो मैंने दो या तीन बार पहने होंगे क्योंकि ना जब लास्ट टाइम जब ए, आ, मैंने ये कपड़े लिए थे जब दो तीन बार बस पहने उसके बाद ना मेरा अचानक से ना बहुत वेट बढ़ गया था तो उसके बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी ये कपड़े मेरे आएंगे और मैंने ऐसे ही रख दिए थे और ये कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये कुर्ता ना मेरा शादी से भी पहले का है और बिल्कुल नया की नया लगता है थोड़ा सा फैंसी वाला है ये जैसे हैं पार्टी वेयर टाइप का और एक दो कुर्ते थे वो भी मैं निकाल रही थी तो थोड़े से ना मैं टॉप निकाल रही थी अपने जो है जीन्स के साथ पहनने के लिए और जीन्स पहनना मैंने बीच में थोड़ा कम कर दिया था लेकिन अब फिर से कभी कभी होता है ना मन करता है पहनने का तो बस वही निकाल लिए थे मैंने टॉप तो जैसे ही मैंने सारे कपड़े निकाले तो सारे कपड़े जो है थोड़े घुचड़ मुचुड़ से हो रखे थे क्रिच वगैरह ख़राब हो रखी थी तो मैंने सोचा इनको जो है थोड़ा सा पानी में जो है निकाल के डाल देती हूँ उससे क्या होएगा अब जैसे प्रेस करूँगी तो आसानी से हो जाएगी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और तो बस वही कपड़े जो है मैंने पानी में निकाल दिए थे और उसके बाद अच्छी तरह इसको झटक झटक के डाल दूंगी जिससे कि जैसे ही सूखेगी ना फिर प्रेस हो जाएगी और गर्मियों में ना एक काम ये बढ़ जाता है कि प्रेस का क्योंकि क्या होता है सर्दियों में तो हम जैसे जैकेट पहनते हैं स्वेटर पहनते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन गर्मियों में तो हर कपड़े में जो है जैसे सूट हो कुर्ती हो या कुछ भी हो टॉप हो कुछ भी हो मतलब ज़्यादातर सारे कपड़ों में जो है मतलब प्रेस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है तो बस गर्मियों में थोड़ा सा ये काम पड़ जाता है तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो है डाल रही हूँ हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी टाइम हो रहा है चार बजने में पाँच मिनट है शाम के चार बज चुके हैं और सुबह से सोच रही थी आप लोगों से बात करने की लेकिन क्या है सुबह के टाइम पे सच में इतने सारे काम होते हैं ना कि बिल्कुल टाइम नहीं लग पाता है और यह सोया ही नहीं सुबह से मतलब जब वो उठाते हैं उसके बाद से सोया ही नहीं अगर बीच में थोड़ी देर के लिए सोता है वो तो तब कर लेती हूँ मैं लेकिन वो उठा हुआ था तो इसी जो है बात नहीं हो पाई मैंने बोला चलो अब वीडियो का एंड कर रही हूँ तो अब आप लोगों से बात कर लेती हूँ और अभी जो है बस सारा काम निपटा के अब जाके मैं फ्री हुई हूँ चार बज चुके और अब चार बजे जो है अभी थोड़ी देर पहले सोया होगा यश मतलब बीस पच्चीस मिनट हुए होंगे और अब जो है अब शाम का काम शुरू हो गया है तो बीच में रेस्ट का जो टाइम होता है ना मैं दो से चार बजे का या तीन बजे से चार बजे का मतलब होता है ना आधा पौना घंटा एक घंटा थोड़ा सा मिल जाता है तो अब जैसे चार बज गए चार साढ़े चार बज से फिर शाम वाले काम शुरू हो जाते हैं शाम की झाड़ू पोछा चाय का हो गया फिर रात के खाने की तैयारी तो आजकल जो है ना टाइम नहीं मिल पाता है और मुझे आप लोगों के साथ कुछ बात भी करनी थी बहुत दिन से सोच रही थी इस बारे में बात करने की बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आ, मेरी जो है ना मेरे जितने भी वीडियोज़ होते हैं मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं <coughs> है ना ज़्यादातर उसमें जो भी मतलब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना वो सिर्फ इस चीज़ को लेकर आते हैं कि मतलब मैं मायके में रहती हूँ तो पहले तो मैं कितनी चीज़ों को तो मैं इग्नोर कर देती हूँ मैं बोलती छोड़ यार कोई नहीं कुछ नहीं हर इंसान की जो होती है अपनी सोच होती है तो मतलब यहाँ पे यूट्यूब में कोई भी आके कुछ भी कमेंट कर जाता है हम कुछ बोल नहीं सकते सबकी अपनी अपनी सोच है लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जब एक ही चीज़ बार 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 कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है और बोलने का एक तरीका भी होता है बहुत सारे जो है ना मतलब कुछ लोग तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं कि आप बुरा मत मानना और आप ससुराल के प्रति आपकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है मतलब एक बोलने का जो होता है ना हर बात को बोलने का एक मतलब तरीका होता है हम किसी भी चीज़ को जो है उसके तरीके के हिसाब से ही बोलनी चाहिए हमें ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ का जो होता है वो अलग ही तरीका होता है कि मतलब क्यों हर समय मायका मायका करती रहती हूँ क्यों हर समय मायके में रहती हूँ ससुराल में क्यों नहीं जाती उन्होंने निकाल दिया है क्या कभी नहीं दिखाती हो तुम ससुराल का क्या है ऐसे ऐसे मतलब 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 एक ही चीज़ को बार बार सुन सुन के सुन सुन के जो होता है ना कि मतलब होता है ना कभी कभी यार कि बस बिल्कुल और सच बताऊँ तो कभी बीच में ना मेरे दिल में मतलब जब मैंने बार बार ऐसी सब चीज़ें देखी ना कि इतने कमेंट्स आते हैं और कोई ये मतलब इसी बात को लेकर के क्यों मायके में रहते हुए तो बीच में तो मेरे दिल में ये तक आ गया था कि यार मैं छोड़ देती हूँ यूट्यूब क्योंकि मतलब ये चीज़ कभी ज़िंदगी में तो जो है ना मतलब ख़त्म नहीं हो सकती हमेशा जो है कोई ना कोई जो है इस को लेकर ही मुझे जो है बार बार टारगेट करेगा कि माइके में रहती है शादी होने के बाद भी मायके में क्यों रह रही ससुराल में क्यों नहीं रह रही तो यार मेरा कहना यह है कि आप सिर्फ जो है दस पंद्रह मिनट का मेरा वीडियो देख के ये नहीं कह सकते हो कि मैं गलत हूँ और मेरी घर की क्या सिचुएशन है क्या है क्यों रह रही हूँ मायके में मैं बता चुकी हूँ सबकी पापा नहीं है इस वजह से मैं मायके में रहती हूँ और सब चीज़ जो होती है वो जो होती है ना आपसी सहमति से होती है मैं यहाँ पर रहती हूँ तो मेरे सास ससुर की मेरे पति की सब चीज़ की जो है मेरे मम्मी की सबकी सहमति से है या ऐसा कुछ नहीं मैं लड़ झगड़ के यहाँ गई हूँ और हम वहाँ पर भी जाते रहते हैं और मेरी सास जो है खुद मुझे कहती है कि यहाँ से ज़्यादा तुम्हारी जरूरत वहाँ है तुम्हारी मम्मी अकेली है तो मतलब मेरी सास को कोई दिक्कत नहीं है मेरे इन लॉज जितने भी जो भी मतलब सास ससुर है मेरा देवर भी है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है तो मतलब मेरे को ये लगता है कि लोग क्यों बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है।, मतलब है, है मतलब मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ मेरे मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है मेरे सास ससुर को कोई दिक्कत नहीं है तो मतलब कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि कमेंट ये तो आते ही है मतलब कुछ अच्छे लोग भी इस तरीके के लिए बोल ही देते हैं कि क्यों रहते हो आपको वहाँ ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और ये मतलब बोल देते हैं सब बोलते हैं ये चीज़ ये मैं मानती हूँ लेकिन ये है कि मतलब सबकी सिचुएशन अलग होती है और कोई लड़की नहीं चाहती है शादी के बाद भी मायके में रहना लेकिन अगर कोई रह रही है तो उसकी परेशानी को समझना चाहिए उसकी सिचुएशन को समझना चाहिए और कभी भी जो होता है कि आ, हर किसी को जो है सिंपल जो है आपने 10-15 मिनट के वीडियो में देखा है ये ऐसे रह रही है ये कर रही वो कर रही तो उसका हमेशा जो है आ, उंगली नहीं उठानी चाहिए कि वो गलत है गलत है और मेरा ये भी कहना है कि अगर कोई बहू अगर अपनी सास से अगर अलग रह रही है तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो बहू ही गलत है कभी कभी सिचुएशन भी ऐसी होती है कि हो जाता है कुछ कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है जो हमें ना चाहते हुए भी करनी होती है उसमें जो है तो सिचुएशन में हमारा कोई जो है हम रोक नहीं सकते उसको तो बस यही था और थोड़ा सा मतलब मेरा मन कर रहा था कि यार इस बारे में मैं बात करती हूँ बोलती हूँ कि नहीं यार मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं गलत होती मेरे हस्बैंड कभी मेरा साथ नहीं देते और मेरे सास ससुर जो है अगर ऐसी होते मैं कभी वहाँ नहीं जाती फिर वो मेरे से मुँह फुला लेते कि भैया नहीं तुम जाओ वहीं जाओ हम अभी जो लास्ट वीक भी रह आए वहाँ पे जितने भी फेस्टिवल होते हैं हम सब में जाते हैं जो मेरा दिवाली वाला ब्लॉग है दिवाली में भी मैं गई हूँ वहाँ पर पूजा भी करी है सब कुछ है तो इसलिए गलत सोच मेरे को लेके मत बनाओ प्लीज़ कि मतलब ऐसा नहीं है कुछ नहीं है मैं यहाँ की भी जिम्मेदारी निभाती हूँ वहाँ की भी निभाती हूँ और बहुत कोशिश करती हूँ मैं कि मतलब यहाँ भी खुश रखूँ वहाँ भी खुश रखूँ और अच्छी तरह रख रही हूँ सब खुश है तो प्लीज़ आप भी मेरा साथ दो और मेरी यूट्यूब की जर्नी को भी अच्छा बनाओ ऐसा जो है अभी मेरी स्टार्टिंग ही है बहुत टाइम नहीं हुआ है तो मतलब थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट जो है थोड़ा सा कम कर दो और कभी अच्छे कमेंट भी कर दिया करो जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे तो चलिए करते हैं फिर इस ब्लॉग का एंड और कल मिलेगी फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलिए मिलेगी फिर कल तब तक के लिए बाय बाय